देखिए, एक वेक्टर का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है समझते हैं. इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज एडजेसेंट एजेस आर, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताना है जिसकी साइड्स आपको दी हुई है. ठीक है. अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड्स होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या क्यूबॉइड. तो सीधा सीधा इसको 15 से कंपेयर कर देना है. तो अगर आप देखें तो फर्स्ट रो में है 2 3 4 1, ये अल्फा होगा. देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये भी अल्फा होगा. 1 अल्फा 2 1 2 अल्फा, दिस शुड बी 15. ये दिया है तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 माइनस अल्फा. 2 माइनस अल्फा, मैंने बीच में माइनस साइन नहीं लिया, कंफ्यूज मत होइएगा. 4 इंटू 2 माइनस अल्फा, दिस इक्वल टू 15. अब मैं इसको आपसे बोलूं सॉल्व करो तो आप लिखते 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6 माइनस 3 अल्फा प्लस 8 माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 15. तो देखिए 8 से 8 कैंसिल. अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं अरेंज करने के लिए बोलूं तो आप बोलते 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 9 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर बन गए 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 9. तो 2 अल्फा, अल्फा कॉमन, तो एक तरह से आपको मिलेगा 2 अल्फा माइनस 9. इतने में ही समझ में आ गया कि 9/2 इज आंसर. 1 कॉमन लिया तो 2 अल्फा माइनस 9, तो अल्फा की एक वैल्यू आ गई 9/2 और एक आ गई माइनस ऑफ 1. तो करेक्ट आंसर हुआ 9/2. राइट.